हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि काली मिर्च खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों, हमारा जो इंडियन किचन होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसके हमारे शरीर को फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई सारे हमारे जो इंडियन मसाले होते हैं वो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं। उसमें से ही एक मसाला है काली मिर्च, या फिर ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं। वो तो काली मिर्च का इस्तेमाल, जैसे कि आपको पता है, कि ज़्यादा मात्रा में या फिर ज़्यादा तौर पे हम नहीं करते हैं, लेकिन काली मिर्च जो होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और हमारे शरीर को इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और उसी के साथ साथ कई सारे जो बी विटामिन्स होते हैं वो काली मिर्च में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और उसी के साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ये एक प्रकार का, और कई प्रकार के जो इन्फेक्शन्स वगैरह होते हैं उनसे हमारे शरीर का बचाव करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे आज की वीडियो में कि काली मिर्च खाने से हमारे शरीर को कौन कौन से फायदे होते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला फायदा है काली मिर्च का सर्दी जुकाम से हमारे शरीर का बचाव करने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि काली मिर्च जो होती है उसका नेचर जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है। फिर उसके कारण ये अगर सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम आपको होती है तो उससे लड़ने के लिए आपके शरीर की मदद करता है, और उसी के साथ साथ ऐसी बीमारियों से दूर रखने के लिए भी शरीर की काफ़ी मदद करता है। कई प्रकार के जो श्वसन की समस्याएं होती है उनसे दूर रखने के लिए, साइनस की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है, ऐसी सारी समस्याओं को दूर रखने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। और ख़ासतौर पर आपको पता होगा कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर्दियों के सीज़न में ज़रूर लेनी चाहिए काली मिर्च। आप अलग अलग प्रकार के सूप बना सकते हो, सूप में डाल के ले सकते हो, या फिर सलाद अगर आप लेते हो तो उसमें भी डाल सकते हो, सब्जी अलग अलग प्रकार की बनाती हो उसमें भी डाल सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रकार से रेसिपीज बना के आप काली मिर्च अपने आहार में ले सकते हो। दूसरा फायदा है काली मिर्च का हमारे पाचन के लिए। तो काली मिर्च जो होती है वो पाचन को सुधारने के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। काली मिर्च का सेवन जब भी आप करते हो तो उससे हमारे शरीर में जो HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, उसकी सिक्रीशन को ये बढ़ावा देता है। उसी के साथ साथ बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जो कि पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक है, ऐसे एंजाइम्स को भी ये काफ़ी बढ़ावा देता है। और आपको पेट की कोई समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, या फिर पेट में मरोड़ होता है, कभी कभार दर्द होता है, दस्त होते हैं, या फिर कब्ज की समस्या हो जाती है, ऐसी पेट पाचन संबंधी जो भी समस्या होती है उन्हें कम करने के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। काली मिर्च आप कैसे ले सकते हो, थोड़ा सा पाउडर काली मिर्च का अगर आप लेते हो उसमें थोड़ा काला नमक डालना है और थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है, और ऐसा चूर्ण जैसा जो बन जाता है थोड़ा सा ही आपको लेना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत हीट पैदा कर सकता है। ऐसा थोड़ा सा भी अगर आप खाने के बाद लेते हो तो ये पाचन के लिए आपको काफी मदद करेगा। पाचन के साथ साथ हमारा दिमाग तेज करने के लिए भी ये काफी अच्छी होती है। हमारे दिमाग में जो भी केमिकल एक्टिविटीज चलते रहते हैं उसे बढ़ावा देने के लिए काली मिर्च काफी अच्छी होती है, और उसके साथ साथ जो समय के साथ या फिर हमारी उम्र के साथ याददाश्त कम हो जाती है, या फिर जो भी बाकी समस्याएं हो जाती है कि छोटी छोटी चीजें भूलने को होती है, या फिर जो समस्या होती है मेमोरी से रिलेटेड, ऐसी सारी समस्याओं को कम करने के लिए भी आप काली मिर्च का सेवन कर सकते हो। अगला फायदा है वेट लॉस, यानी कि वजन कम करने के लिए। काली मिर्च अगर आप आपके आहार में डालते हो, यानी कि रोज के खाने में लेते हो अगर डाल के, तो वो आपका वजन कम करने के लिए भी मदद करता है। काली मिर्च का सेवन करने से शरीर का जो लिपिड होता है या फिर फैट परसेंट होता है वो कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ काली मिर्च खा के आपका वजन कम होगा। जो भी आप वेट लॉस का डाइट है, एक्सरसाइज है, वो करते हो और उसमें थोड़ी सी उसी डाइट में काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हो तो वो आपको वजन कम करने के लिए मदद जरूर करेगी। अगला फायदा है काली मिर्च का हमारे मुंह के स्वास्थ्य के लिए। तो काली मिर्च के अंदर कई सारे एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं और मुंह में जो हानिकारक बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको मुंह की समस्या होती है यानी कि मुंह में दुर्गंध आती है या फिर कभी कभार मसूड़ों में सूजन होती है दर्द होता है उसके लिए फिर आप काली मिर्च का जो पाउडर होता है उसे अपने दांतों का मंजन जो है वो कर सकते हो, यानी कि रोज़ का आपका जो पेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा डाल के या फिर सिर्फ काली मिर्च से अगर मंजन करके फिर आप उसे मुंह साफ करते हो तो वो दांत चमकाने के लिए भी मदद करता है और मुंह की जो बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताई ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। काली मिर्च का अगला फायदा है भूख बढ़ाने के लिए। काली मिर्च के अंदर जो अल्कलॉइड्स होते हैं और पेपरिन नाम का एक घटक होता है वो हमारी भूख को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है और इसीलिए जो सूप हम पीते हैं खाने से पहले, बहुत बार रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो खाने से पहले जो हम सूप मंगवाते हैं ताकि भूख जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है तो उसी के लिए फिर उसमें काली मिर्च थोड़ी सी डाली जाती है, इससे भूख बढ़ने के लिए मदद होती है। तो जिन जिन लोगों का वज़न कम है या फिर भूख नहीं लगती और फिर उसके कारण वज़न कम हो जाता है ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा पर्याय हो जाता है लेने के लिए। काली मिर्च ऊपर ऊपर से आप आपके खाने में डाल के ले सकते हो। भूख बढ़ाने के साथ साथ जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है ऐसे लोगों की भी शुगर यानी कि शक्कर की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए भी ये काफ़ी मदद करती है। काली मिर्च में जो पेपरिन नाम का घटक होता है वो इंसुलिन सिक्रीशन को मैनेज करती है यानी कि नियंत्रित करती है और डायबिटीज़ की जो समस्या होती है शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं उस समस्या को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसी के साथ जोड़ों का दर्द जो होता है यानी कि अर्थराइटिस के जिन जिन लोगों को है उन्हें जोड़ों में दर्द होता है या फिर सूजन होती है तो ये सारी समस्याओं को कम करने के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला फायदा है इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर संक्रमण जो होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, बैक्टीरिया से ये लड़ता है अच्छी तरीके से तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें दूर रखने के लिए ये मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारी त्वचा के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है तो त्वचा के इन्फेक्शन से दूर रखता है। उसी के साथ साथ त्वचा को साफ रखने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए भी ये मदद करता है। और एक फायदा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी काली मिर्च का, धूम्रपान या फिर सिगरेट पीने की जो ज़्यादा बहुत ही क्रेविंग्स आती है तलब आती है उसे कम करने के लिए भी ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि धूम्रपान करना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी सिगरेट पीने की इच्छा होती है तो ऐसे समय पर लेने के लिए ये काफ़ी अच्छा पर्याय है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है या फिर अगर आहार में आपके रोज़ के थोड़ा थोड़ा ऊपर से अगर आप डालते हो तो उससे भी सिगरेट पीने की इच्छा जो होती है वो कम होने के लिए काफ़ी मदद होगी। तो ये इतने सारे फायदे होते हैं काली मिर्च के हमारे शरीर को। काली मिर्च को आप ले कैसे सकते हो, जैसे मैंने बताया सब्जी है सूप है या फिर सलाद है उसके ऊपर डाल के आप ले सकते हो या फिर शहद के साथ थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर जो होती है वो आप ले सकते हो, हल्दी के साथ ले सकते हो ताकि दोनों मिलके काफ़ी अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एकदम ज़्यादा मात्रा में काली मिर्च आपको नहीं खानी है क्योंकि इसका नेचर जो है वो हीट देने वाला है यानी कि थोड़ा सा गर्म पड़ता है शरीर के लिए, इसीलिए सही मात्रा में ही इसका सेवन करना है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर आपको कोई भी सवाल है तो सवाल भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।